पाकिस्तान में कराची रावलपिंडी तेजगाम एक्सप्रेस ट्रेन में धमाका हो गया। यह हादसा पंजाब प्रांत के दक्षिण में रहीम यार खान के पास हुआ है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए गए गैस कनस्तर में यह धमाका हुआ। धमाके के बाद 3 बोगियों में आग लग 73 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को मुल्तान के BBH बहावलपुर और पाकिस्तान इटालियन मॉडर्न बर्न सेंटर में भर्ती कराया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह इस धमाके में पहले इकोनॉमी क्लास की 2 बोगियों में आग लगी, वहीं एक और बिजनेस क्लास में आग लग गई। घायलों को नजदीकी अस्पतालों के में भर्ती करवाया गया है। वहीं जान बचाने के लिए कई लोग चलती ट्रेन में से नीचे कूद गए। तो पाकिस्तान में कराची रावलपिंडी तेजगाम एक्सप्रेस जो धमाके का शिकार हो गई, 3 बोगियां आग में लपटी हुई हैं। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावह ये हादसा हुआ होगा। कहा जा रहा है कि जैसे ही आग लगी, लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करी। 72 लोग जिनकी मौत हो चुकी है, आंकड़ा भी बढ़ सकता है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो रेलवे अधिकारियों ने जिस तरह से जानकारी दी है, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए गए गैस कनस्तर में ये अचानक आग लग गई और धमाका इतना बड़ा था कि 3 बोगियां इसकी चपेट में आ गई। 2 इकोनॉमिक क्लास की और 1 बिजनेस क्लास की ये बोगियां जो इसकी चपेट में आ गई है। 73 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। तो हादसा पंजाब प्रांत के दक्षिण में रहीम यार खान के पास हुआ है और इन आग के लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयावह हुआ होगा।